नमस्कार दोस्तों, अगस्त महीने के मिसलेनियस आर्टिकल्स की वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से संबंधित है। देखो, 2018 का साल हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया था और हमने प्रपोजल सेंड किया था FAO को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप भी 2018 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन FAO ने कहा है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। मिलेट्स फॉर एग्जांपल ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें मिलेट्स से देखो बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा 2023 का साल, तो इससे जागरूकता जो है वो फैलेगी मिलेट्स के बारे में और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को कंज्यूम करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे, और इससे वो गरीब किसान जो मिलेट्स को उगाते हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि मिलेट्स की अगर डिमांड बढ़ती है जो दाम है मिलेट्स के मार्केट में वो भी बढ़ेंगे। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए देखो गवर्नमेंट ने एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है न्यूट्री सीरियल्स, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स शामिल हैं, यानी मिलेट्स शामिल हैं, और न्यूट्री सीरियल्स को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है PDS सिस्टम में भी, ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। और कौन कौन से मिलेट्स शामिल हैं न्यूट्री सीरियल्स में, यहाँ पर नीचे देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, और यहाँ पर है कंगानी, काकून और कुटू, ये सारे मिलेट्स शामिल हैं न्यूट्री सीरियल्स में। इंग्लिश में जो नाम है वो भी आप देख सकते हो, अगर वहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में आप कन्वर्ट ना कर पाओ तो साइड में हिंदी में भी ट्रांसलेशन दी होती है। और लास्ट में तो देखो एक बात ये बोली गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया गया है मिलेट्स का, ताकि मिलेट्स का जो कल्टिवेशन एरिया है वो इंक्रीज हो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, नीति आयोग ने स्टेट्स को एडवाइस किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग और हार्वेस्टिंग का जो खर्चा होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। आपने फसलों को उगाया, उसकी कटाई भी कर ली, लेकिन आपको कोई खर्च नहीं आया, आपका जो खर्च है वो आया जीरो। तो आपको लगेगा ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि फसलों को उगाने में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखो, जीरो बजट फार्मिंग में ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर देखो, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स के बजाय, और फर्टिलाइजर्स के बजाय दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैदावार जो है वो फसल की ज़्यादा हो। यहाँ पर नीचे देखो कौन कौन से किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स जैसे अर्थवर्म्स, काउडंग, यूरिन, प्लांट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सब का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स के तौर पर। तो इससे फसलों को उगाने में फार्मर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और सोयल भी डिग्रेड नहीं होती, सोयल का डिग्रेडेशन नहीं होता, सोयल की जो उर्वरकता है यानी फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। सरकार ने मेनली दो स्कीम्स चलाई हैं, या फिर आप कह सकते हो दो स्कीम्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती हैं। एक तो है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये स्कीम चलाई गई थी 2015-16 में। परंपरागत कृषि विकास योजना काफ़ी सारी फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करती है, जैसे नेचुरल फार्मिंग और ऋषि फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग, काउ फार्मिंग, होमा फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो यूँ नहीं कह सकते कि परंपरागत कृषि विकास योजना स्पेशली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए है, काफ़ी सारी फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करता है ये स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अलावा एक और स्कीम भी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था और इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करने के लिए अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट्स पलामू और गढ़वा और बिहार के दो डिस्ट्रिक्ट्स औरंगाबाद और गया, ये ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट की सहायता से, लेकिन कंसर्न्स ये थे कि बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया सबमर्ज हो जाएगा नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट की वजह से। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। यहाँ कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट और सबसे लास्ट में टेम्परेट एल्पाइन फॉरेस्ट। पलामू टाइगर रिजर्व ये भी झारखंड में है, इसको इस्टाब्लिश किया गया था 1974 में, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1986 में। पलामू टाइगर रिजर्व ये जो एरिया है इसको देखो डिस्टिंक्शन प्राप्त है
ऐसे फॉरेस्ट की जहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार जो टाइगर सेंसस कंडक्ट हुआ वो यहीं पर हुआ। और नॉर्थ कोयल रिवर ये रांची प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की? सोन रिवर की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रेड प्लस के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी को प्रेजेंट किया। थोड़ा सा जान लेते हैं हम रेड प्लस के बारे में। यहाँ पे देखो रेड का पूरा नाम है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। मकसद इस स्ट्रेटजी का ये है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को सस्टेनेबल ढंग से मैनेज करना और फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को इन्हेंस करना डेवलपिंग कंट्रीज में। रेड प्लस एम करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करके क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके। यहाँ पे ये लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। रेड प्लस का एम ये है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करके, जैसे लोकल कम्युनिटी को कुछ पैसा देके या फिर दूसरे बेनिफिट्स देके क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को इंश्योर करना। अगर देखो फॉरेस्ट कंजर्व होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा। रेड प्लस से पहले एक स्ट्रेटजी थी रेड, जिसे अडोप्ट नहीं किया गया था। रेड का मकसद ये था कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन को रोकना ताकि एमिशंस को कम किया जा सके। रेड स्ट्रेटजी में ना फॉरेस्ट इन्हेंसमेंट के कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं था, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन के कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन रेड प्लस में ना सिर्फ डिफोरेस्टेशन पे फोकस है बल्कि एफोरेस्टेशन पे भी फोकस है कि ना सिर्फ पेड़ों की कटाई को रोका जाए बल्कि नए पेड़ भी उगाए जाएं। 2010 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 की मीटिंग हुई थी कैनकन में, तो उस समय रेड जो स्ट्रेटजी थी वो बन गई थी रेड प्लस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तो पेस्टिसाइड्स के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? अनुपमा वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट ने 18 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया। इन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स की वजह से ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को काफ़ी सारा नुकसान हो रहा था। 18 में से 11 पेस्टिसाइड्स पर तो देखो इमीडिएट बैन लगा दिया गया, 6 पेस्टिसाइड्स को फेज़ आउट किया जाएगा दिसंबर 2020 से पहले पहले, और एक जो पेस्टिसाइड बचा हर्बिसाइड और ट्राइफ्लोरालिन, ये जो पेस्टिसाइड हैं इस पर इमीडिएट बैन लगा दिया गया है, लेकिन वीट की खेती के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कमेटी का जो नाम है अनुपमा वर्मा कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशंस के बाद ये बैन लगाया गया है, इस कमेटी का नाम आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। इसको हमने डिस्कस कर लिया था बाद में फरवरी में, खैर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। देखो चीता जो है वो फास्टेस्ट एनिमल है, लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 में। अंतिम बार चीता को देखा गया था 1947 में छत्तीसगढ़ में। जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, इन्होंने बहुत हंटिंग की चीता की, जिसकी वजह से हमारे देश में चीता एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया। प्लान ये है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नामीबिया से 20 चीता को लाया जाएगा, और कहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा? देखो ये नोरादेही सेंचुरी है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। फिर से बोलता हूँ, नोरादेही सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर लाया जाएगा और रखा जाएगा चीता को। कहाँ से लाया जाएगा? नामीबिया से। ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया था 2009 में, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया था, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा है कि फिर से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। पहले पैसे की कमी के कारण रोक दिया गया था, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और देखो नोरादेही सेंचुरी का चुनाव ही इसलिए किया गया है क्योंकि घना जंगल नहीं है नोरादेही। नोरादेही जो सेंचुरी है यहाँ पे बड़े बड़े घने डेंस फॉरेस्ट नहीं है, और प्रे जो है, शिकार जो है चीता को, वो भी आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए इस सेंचुरी का आइडेंटिफाई किया गया है चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिंगफान एलिफेंट रिजर्व के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? नागालैंड की सरकार ने सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। देखो सिंगफान एलिफेंट रिजर्व जो है कहाँ पे है? नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में है। कितने एरिया में फैला हुआ है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंगफान एलिफेंट रिजर्व के साथ ही है अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट। सिंगफान
जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले, यहाँ पे एलिफेंट्स की जो संख्या थी तो काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, स्कैटर्ड, मतलब थोड़ी सी इस जगह पे, थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे जाके। लेकिन अब इसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहाँ पे एलिफेंट्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें नागालैंड में, इंटांकी और पुलिये बाड़जे, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहर, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? नागालैंड में। ध्यान से देख लीजिए, इंटांकी, पुलिये बाड़जे, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहर। चलते हैं आगे। आगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा, मालदीव में वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रीफ इंस्टॉल किया गया है, समझ गए? आर्टिफिशियल रीफ इंस्टॉल किया गया है, और जिसको प्रिंट किया गया था 3D प्रिंटिंग की सहायता से। कहाँ पे? मालदीव के समर आइलैंड में। मकसद ये है कि आर्टिफिशियल मेथड की सहायता से, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से, कोरल रीफ इकोसिस्टम को रिवाइव किया जाए वहाँ पर। अगर UPSC पूछे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रीफ हाल ही में इंस्टॉल कहाँ पर किया गया? मालदीव में। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन कॉरिडोर के बारे में है। देखो, काफ़ी बार आपने देखा होगा पुरानी जो ट्रेन्स होती थी, उन ट्रेन से जो ह्यूमन वेस्ट या फिर एक्सक्रीटा है वो ट्रैक पे गिरता रहता था। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाने लगे ट्रेन्स में। इससे क्या होता है, बायो टॉयलेट्स को इस्टेब्लिश करने से जो ह्यूमन वेस्ट है वो ट्रैक पर इस प्रकार से गिरता नहीं रहता, कलेक्ट कर लिया जाता है ह्यूमन वेस्ट को एक इको फ्रेंडली बायो टैंक में जो हर एक टॉयलेट में लगा होता है। अभी सभी ट्रेन्स में तो ये बायो टॉयलेट्स नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेन्स जो चलती हैं वो सिर्फ बायो टॉयलेट्स के साथ चलती हैं। जैसे सबसे पहला इस प्रकार का कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया था 114 किलोमीटर का तमिलनाडु में, रामेश्वरम से लेके मन्नामुदरई, ये कंट्री का पहला ग्रीन कॉरिडोर था। इस स्ट्रेच पर ट्रेन्स जो चल रही थी सिर्फ और सिर्फ बायो टॉयलेट्स के साथ चल रही थी, सबसे पहला ये कॉरिडोर था। ये मतलब इस स्ट्रेच पे ह्यूमन वेस्ट को इस प्रकार से ट्रैक पे नहीं गिराया जाता जो आमतौर पे पुरानी ट्रेन्स में होता था। और अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बाड़मेर से लेके मुनावाब और पीपल रोड बिलारा रेल रूट्स को ग्रीन कॉरिडोर्स डिक्लेयर किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल काइट इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी के बारे में है। काइट इकोनॉमी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी होती है, और काइट इकोनॉमी में फोकस होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर। दूसरी तरफ गिग इकोनॉमी में क्या होता है, परमानेंट जॉब्स की कमी होती है जबकि टेम्प्रेरी और फ्लेक्सिबल जॉब्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मतलब जैसे फ्रीलांसर नहीं होता कि आपको 20 दिनों के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए तो आप फ्रीलांसर या फिर ट्रूलांसर की वेबसाइट पर जाके 20 दिनों के लिए पर्सन को हायर कर सकते हो अपने पर्टिकुलर काम के लिए। तो इस प्रकार की जॉब्स जब ज़्यादा होती हैं, परमानेंट जॉब्स की कमी होती है, टेम्प्रेरी जॉब्स ज़्यादा होती हैं, तो उस इकोनॉमी को कहा जाता है गिग इकोनॉमी। नेक्स्ट आर्टिकल कंसेशन फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में है। कंटेक्स्ट देखो, ये है यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2023 तक ये स्कीम चलेगी। इस स्कीम में क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है इंडिया की, वो किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के किसी देश में, मान लेते हैं उगांडा में, उगांडा में किसी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाना चाहती है, और वो प्रोजेक्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस कंपनी के पास पैसों की कमी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लगता है कि ये प्रोजेक्ट अगर हमारी इंडिया की कंपनी को पूरा करती है उगांडा में, तो इससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रपोजल को भेजेगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास कि हमें काम करते हैं, उस प्राइवेट कंपनी को पैसा दे देते हैं लोन के तौर पे ताकि वो प्रोजेक्ट को पूरा कर सके उगांडा में। तो अगर अप्रूवल मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से, एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिल जाएगा उस प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी उगांडा में प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकेगी। समझ गए? मतलब सिंपल अगर एक लाइन में बोलूं, अगर कोई हमारे देश की प्राइवेट कंपनी दूसरे देश में किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाना चाहती है जिससे हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व होंगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रपोजल भेजेगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास कि भैया हम पैसा दे देते हैं उस प्राइवेट कंपनी को क्योंकि वो प्रोजेक्ट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अप्रूवल मिलने के बाद एक्जिम बैंक से पैसा मिल जाता है उस प्राइवेट कंपनी को। ये है कंसेशन फाइनेंसिंग स्कीम, और इस स्कीम को अब 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल एक्सिस बैंक से संबंधित है। एक्सिस बैंक हमारे देश में पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर को इंट्रोड्यूस किया है आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए। देखो अभी क्या होता है, एटीएम से पैसा निकलवाना हो तो आपको कार्ड अंदर डालना पड़ता है, जो आपका पिन नंबर है वो फिल करना पड़ता है। लेकिन माइक्रो एटीएम टैबलेट्स में क्या होगा, आप अपना आधार नंबर डालोगे और बाद में वेरिफिकेशन होगी, आयरिस वेरिफिकेशन हो सकती है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो सकती है, तो इसकी सहायता से पैसे निकल जाएंगे क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अभी तक फिंगरप्रिंट्स को ऑथेंटिकेट करने वाले तो देखो काफ़ी बैंक्स हैं, लेकिन आयरिस स्कैन कोई भी बैंक नहीं करता था। एक्सिस बैंक देश में पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर को लॉन्च किया है। चलते हैं आगे। वैसे एक लाइन यहाँ पे ये भी है कि आयरिस स्कैन जो टेक्नोलॉजी है कॉन्टैक्टलेस है, क्योंकि आयरिस आपकी स्कैन हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। 98.2% ऑथेंटिकेशन सक्सेस रेट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेडनेस इंडेक्स के बारे में है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी और नीति आयोग का कोलैबोरेशन है ये इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेडनेस इंडेक्स। चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टेट्स को, उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, उनके अचीवमेंट क्या हैं एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी को प्रमोट करने में। कौन सी चार कैटेगरीज हैं, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पायरेंट। फ्रंट रनर लिस्ट में डाला गया है 5 राज्यों को, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला। बाकी हर एक कैटेगरी में कौन कौन से राज्यों को डाला गया है ये तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। आगे देखो आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है मुख्यमंत्री युवा नेस्थाम स्कीम। आमतौर पर राज्यों की स्कीम्स के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती है, और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार की जो स्कीम है पहली बार किसी राज्य में चलाई गई है। है क्या इस स्कीम में, इस स्कीम में देखो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको अलाउंस दिया जाएगा 1,000 रुपये पर महीना। तो इस प्रकार की स्कीम ऑलरेडी काफ़ी राज्यों में चल रही है, वैसे फिर भी अगर यूपीएससी पूछ लेती है तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो ये मुख्यमंत्री युवा नेस्थान स्कीम है ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। चलते हैं आगे। आगे देखो एक रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्टेटस रिपोर्ट 2018। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को एनालाइज किया जा रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वाटर एरोड्रोम्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूवल दिया है कि हमारे देश में कई सारी जगह पर एरोड्रोम्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्या होता है एरोड्रोम, जैसा देखो आप पिक्चर पर देख सकते हो, वाटर पर एक ऐसा एरिया होता है, कोई बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट या फिर इंस्टॉलेशन, जहां पर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, डिपार्ट हो सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो सकती है। ये देखो यहाँ पर तो प्रपोजल ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है, उड़ीसा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर वाटर एरोड्रोम्स को डेवलप किया जाएगा। होगा क्या, वाटर एरोड्रोम्स को सेटअप करने से टूरिज्म संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा होगा। फर्स्ट फेज में देखो चिल्का लेक में, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात में, साबरमती रिवर फ्रंट कहाँ पर है, गुजरात में, फर्स्ट फेज में इन 3 जगहों पर वाटर एरोड्रोम्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे। चलते हैं आगे। आगे देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2016-17 के बारे में। नाबार्ड का ये सर्वे है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जिन पर प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे एक बात ये कही गई है कि सिर्फ 23% जो रूरल इनकम जनरेट होती है वो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग से जनरेट होती है, बाकी तो दूसरे सोर्सेज से रूरल इनकम जनरेट होती है। तो यूपीएससी अगर पूछे कि ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2016-17 किसका है, नाबार्ड का है, रेफरेंस पीरियड है इस सर्वे का 2015-16। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2018 के बारे में है। ये किसकी रिपोर्ट है, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग की रिपोर्ट है। अब यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट देखो इतनी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग कहाँ पे है, स्वीडन में है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को फ्लैट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाला गया है। इंडेक्स भी जारी किया गया था डेमोक्रेसीज़ का, इंडिया को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 42nd। पिछले साल इंडिया की रैंक तो जो थी वो 32nd थी।
चार कैटेगरीज में विभिन्न देशों की डेमोक्रेसीज को क्लासिफाई किया गया है, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। इंडिया में फ्री और फेयर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो इंडिया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आता है, लेकिन और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट, यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये इंडिकेटर्स इंडिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखो जारी की गई है एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत, मतलब वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी की गई है। उस प्रोजेक्ट का नाम है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। मकसद इस प्रोजेक्ट का ये है कि विभिन्न देशों में डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर नए इंडिकेटर्स डेवलप किए जाएँ। प्रोजेक्ट को लीड किया जा रहा है वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज इंस्टीट्यूट के द्वारा। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग स्वीडन में। 178 कंट्रीज को कवर करता है ये इंस्टीट्यूट, और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती है कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से और काफ़ी सारे दूसरे थिंक टैंक से, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को इनाग्रेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। कहाँ पर ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया? केरल में, और इसका इनाग्रेशन हुआ तिरुवनंतपुरम में, जो राजधानी है केरल की। केरल लेजिस्लेटिव असेंबली को बने 60 साल पूरे हो गए हैं, तो डायमंड जुबली समारोह आयोजित किया गया इस उपलक्ष में। डायमंड जुबली कब आयोजित होता है? जब किसी चीज़ को बने 60 साल पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एडीबी स्ट्रेटजी 2030 के बारे में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नई लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट स्ट्रेटजी को अप्रूवल दिया, जिसका नाम है स्ट्रेटजी 2030। इस स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि नई नॉलेज, नई एक्सपर्टीज लाई जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ताकि एशिया और पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई जा सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा सके और गरीबी को ख़त्म किया जा सके। अगर यूपीएससी पूछेगी तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगी, स्ट्रेटजी 2030 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? सार्क, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक? नहीं भैया, नहीं, ये संबंधित है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चलते हैं आगे। आगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसे एडिटोरियल में तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, लेकिन हो सकता है प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मटाला एयरपोर्ट है, कहाँ पर है? ये श्रीलंका की हम्बनतोता सिटी में है। हम्बनतोता पोर्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हम्बनतोता पोर्ट को श्रीलंका ने लीज पर दिया है चाइना को, तो उसी सिटी में जो एयरपोर्ट है मटाला एयरपोर्ट, इस मटाला एयरपोर्ट को कंट्रोल करने के जो स्टेक्स हैं वो इंडिया ने एक्वायर किए हैं। चलते हैं आगे। आगे देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है MCR1 जीन के बारे में। इस जीन को देखा गया है के न्यूमोनिया बैक्टीरिया। ये जो जीन है देखो, ये यूज होता है एंटीबायोटिक्स में इन्फेक्शन को कर्व करने के लिए। तो अगर यूपीएससी पूछे कि MCR1 जीन किससे संबंधित है, ये एंटीबायोटिक्स से संबंधित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वोलबाचिया बैक्टीरिया के बारे में है। देखो, इंसेक्ट्स की ज़्यादातर स्पीसीज में ये जो बैक्टीरिया है वो होता है, और काफ़ी सारी मॉस्किटोज़ की स्पीसीज में भी होता है, लेकिन ईडिस एजेप्टाई मॉस्किटो, जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सब बीमारियां होती हैं ना, इस मॉस्किटो में ये वोलबाचिया बैक्टीरिया नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब वोलबाचिया बैक्टीरिया का होना मतलब ये संकेत है कि उस मॉस्किटो से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका नहीं होगा। तो अब साइंटिस्ट ये प्लान कर रहे हैं कि वोलबाचिया बैक्टीरिया की सहायता से डेंगू इत्यादि बीमारियों को होने से रोका जाए, और कैसे ना कैसे करके ये जो बैक्टीरिया है वो इंट्रोड्यूस किया जाए ईडिस इजेप्टाई मॉस्किटो में। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया वोलबाचिया बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इम्प्रिंट सेकेंड के बारे में है। देखो, पहले मैं आपको इम्प्रिंट वन के बारे में बताता हूँ। इम्प्रिंट इंडिया ये एक इनिशिएटिव था IIT और IISc का, जॉइंट इनिशिएटिव था, फिर से बोलता हूँ, IIT और IISc का, और सपोर्ट किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। मकसद इम्प्रिंट इंडिया इनिशिएटिव का ये था, एक रोड मैप तैयार किया जाए, और उस रोड मैप की सहायता से हमारे देश की मेजर जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, उनमें रिसर्च हो।
अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने इम्प्रिंट सेकंड लॉन्च किया है। यहां पर देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने 122 नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल दिया है और इनकी रिसर्च पर लागत आएगी 112 करोड़। लेकिन पहले जो ये इनिशिएटिव था सिर्फ आईआईटी और आईआईएससी का, अब इसे एक्सपेंड किया गया है। सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल किया गया है आईआईटीज और आईआईएससीज के अलावा इम्प्रिंट सेकंड इनिशिएटिव में, समझ गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ आईआईटी और आईआईएससीज का इनिशिएटिव था इम्प्रिंट वन, लेकिन इम्प्रिंट सेकंड में दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया है। ये सब मिलके देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी या फिर जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं उनमें रिसर्च करेंगे ताकि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, हमने अगस्त महीने के मिसलेनियस आर्टिकल्स को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।